अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी अक्सर औकात ये आदत होती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम शैतान को कोसने लगते हैं, उसको लान तान करते हैं और हम समझते हैं कि इस तरह से हम अपना गुस्सा सही जगह पे निकाल रहे हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे, आपके एक सहाबी आपके साथ सवारी पे सवार थे कि नबी अलैहिस्सलाम की सवारी को ठोकर लग गई, तो सहाबी फरमाने लगे कि शैतान बर्बाद हो, उसका बेड़ा गर्क हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो कि शैतान बर्बाद हो और उसका बेड़ा गर्क हो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो इससे वो इस कदर फूल जाता है कि एक पूरे मकान के बराबर फूल जाता है और वो कहता है कि मेरी ताकत से ये हुआ। बल्कि तुम्हें अल्लाह का नाम लेना चाहिए, यानी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इसलिए कि जब तुम ये कहते हो तो इससे वो इस कदर छोटा हो जाता है कि एक मक्खी के बराबर। तो शैतान को कोसने से, उसके ऊपर लानत मलामत करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। एक दफ़ा एक शेख साहब हज पे गए हुए थे तो उन्होंने अपने ये वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं जब जमारात पे कंकरियां मारने गया तो वहाँ पे देखा लोग बड़े गुस्से के अंदर, जैसे आपने भी देखा होगा कि कंकरियाँ मारते हैं और ये समझते हैं कि हम शैतान को ही मार रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे में मेरे पीछे से एक आवाज़ आई किसी औरत के चीखने की। वो कह रही थी, तू बर्बाद हो, तूने मेरी शादी ख़त्म करा दी, तू बर्बाद हो कि तूने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया। तो उन्होंने पीछे मुड़ के उसको सब्र की तलकीन की। मगर इस किस्म के रवैये हम अक्सर वहाँ पे भी देखते हैं और इसी तरह अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि बात बात पे अगर बच्चा भी गिर जाए, ये शैतान का कसूर है, उसने करा दिया, ये मेरा काम बिगाड़ दिया शैतान ने। तो शैतान इस पे खुश होता है क्योंकि वो ये समझता है कि मेरी इतनी ताकत होगी कि मैं भी चीज़ें बिगाड़ सकता हूँ। हालांकि उसकी कोई भी ताकत नहीं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि शैतान ने मुझे ये काम भुलवा दिया, जैसे कि सूरह कहफ में है। और इसके अलावा कोई ऐसा काम जो आपका बिगड़ जाए, कोई ऐसा काम जो आपका ख़राब हो जाए, उसमें कभी भी शैतान का नाम लेकर और उसको खुश ना किया कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये स्पीकर उस्ताजा नजीहा हाशमी है। इनकी मज़ीद ऑडियो सुनने के लिए लॉगिन करें arrahma.org पर, arrahma.org।